अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग वर्ल्ड। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो लाई थी गर्मियों के लिए, सत्तू का शरबत। तो कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि जब हमारे घर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो मतलब हम तो तब तो उनके लिए सत्तू का शरबत नहीं बना सकते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फिर उनके लिए एक रेसिपी रेडी की है, उनके लिए आप आइस शेक बना सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आज हम आपको आइस शेक बनाने का तरीका बताएंगे, ऐसा आइस शेक जो आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स पे मिलता है, जैसे KFC पे मिलता है, मैकडोनल्ड्स पे मिलता है, वो आप आज मैं आपको घर पे बनाने का तरीका बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम आधा लीटर दूध लेंगे और इसमें अब हम लेंगे 2 चम्मच चीनी। और इसमें हम 2 फ्लेवर की आइसक्रीम यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसमें कुल्फ़ा डालेंगे, तकरीबन 1.5 स्कोप डालेंगे कुल्फ़ा का। और इतना ही 1.5 स्कोप इसका हम स्कोप इसका डाल देंगे वनीला का। अब अच्छे से इसको जूसर में मिक्स कर लेंगे। फिर इसको वेल डेकोरेट करने के लिए आपने वो ग्लास लेना है जिसमें इसको डालना है। उसके अंदर हम एक चॉकलेट की कोन बना लेंगे, उसके साथ इसकी टॉपिंग कर लेंगे। अगर आपको कोन बनाने का नहीं पता तो आप ऐसा करें, बटर पेपर ले लें, उसमें चॉकलेट रख के थोड़ा सा उसको मेल्ट करके कोन सी बना लें, उसकी फिर मतलब इस तरह टॉपिंग कर लें ग्लास में। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी आइसक्रीम को लगा सकते हैं डेकोरेशन करने के लिए। इसके अलावा आप और भी इसके ऊपर नट्स वगैरह रखने चाहें रख सकते हैं। आइस शेक तैयार है, इसको आप घर पे बना के ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही यमी है ये, बिल्कुल KFC और मैकडोनल्ड्स जैसा इसका टेस्ट है, आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि कोई भी आने वाली वीडियो जो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।